सो हेलो एवरीवन, मैं पूर्णिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूर्णिमा की दुनिया में। और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं आ गई नया ट्रिक्स और टिप्स लेके किचन का आप लोग के साथ में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत कारीगर टिप्स। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें पता नहीं होता है, मैं ऐसे देसी जुगाड़ बताऊँगी आप जो चुटकी में आसान हो जाएगा आपका काम। तो चलिए बताती हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा माइंड नहीं करिएगा। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को, एक नहीं बहुत सारे ट्रिक बताऊँगी, टिप्स दूँगी। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा कि हम जैसे जुखाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, बहुत खांसी आती है हमें, खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि कफ बलगम जम जाता है, तो हमें खांसी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको छोटा सा नुस्खा बताती हूँ। तो सबसे पहले लीजिएगा आप चाय। ये देखिए मैंने चाय अभी बनाई है, गर्म चाय बनाई है, और दूध वाला चाय लेना है। इसमें मैंने अदरक और काली मिर्च लौंग का पेस्ट डाला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये चाय भी छानी है, दूध का ही चाय बनाना है। इसमें आपको डालना है एक चुटकी हल्दी, एक पिंच हल्दी डालना है आपको। ये देखिए एक पिंच हल्दी है, ये मैं डाल दे रही हूँ, कच्ची हल्दी डालना है, याद रखिएगा हल्दी जो हो कच्ची होनी चाहिए आपकी। और ये खांसी के लिए इतना कारीगर है, अगर आपको कफ भी जम जाता है, बलगम हो जाता है, ये इतना फ़ायदेमंद है। आप यूज़ करेंगे ना 10 दिन के अंदर आपकी खांसी जो है ना छू मंतर हो जाती है। ये देसी जुगाड़ है, थोड़ा लेट से काम करता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको कफ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक चुटकी हल्दी लेके इसको घोल देंगे, उसके बाद हम पियेंगे चाय को। और मुझे चाय पीनी थी, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है और खांसी आ रही है, इसीलिए मैंने ये बनाया है आप लोग को, ये बहुत फायदेमंद होगा। ये मैंने बहुत बार ट्रिक अपनाया, जब भी मुझे कोल्ड होता है और खांसी आती है ना, तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ जिससे मेरे को 10 दिन में ही मेरी खांसी छुमंतर हो जाती है, मुझे कोई बलगम नहीं जमता है। तो ये फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए मिलते हैं नए ट्रिक्स में, और दूसरा उपाय आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो गाइस नेक्स्ट जो सेकंड टिप्स है वो है ये मेरा कि जैसे कि हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कई बार हमारे मसूड़े जो गम्स हैं वो उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक बहुत कारगर टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हमें लेना है 2 घूंट पानी, ये 2 घूंट पानी देख सकते हैं आप, और ये है थोड़ी सी फिटकरी लेनी है आपको, इतनी ही फिटकरी काफ़ी होती है। तो हम क्या करेंगे ना कि इस फिटकरी को ना इस पानी के अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद जब ये अच्छे से घुल जाएगा तो इस पानी का यूज़ हमें कुल्ला करने में करना है। सुबह दिन में 2 से 3 बार आप कुल्ला करिए, आपका मसूड़े का जो सूजन है, जैसे इंस्टेंट हम दवाई नहीं ले पाते हैं, तो इंस्टेंट अगर हम दवा नहीं ले पाते हैं तो ये अगर आप कुल्ला करते हैं इस पानी से, तो इतना कारगर है ये, आपकी मसूड़ों की सूजन को ख़त्म कर देगा, आपके दांत के पेन को भी कम कर देगा। और जिसके दांत में पानी लगता है उसके लिए बताना चाहूँगी, ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है, जिसके दांत में पानी लगता है उसे बताना चाहूँगी हल्का गुनगुना पानी लें, इतना गुनगुना होना चाहिए कि बस ठंडक ख़त्म होनी चाहिए उसकी, बाकी गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो आप हल्का गुनगुना पानी लेंगे, उसमें इतनी ही फिटकरी डाल देंगे, ये आपके कुल्ला करने के लिए इतना पानी बहुत काफ़ी है, और इसको 2 से 3 बार आपको दिन में यूज़ करना है। अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपका दर्द जो है मिनटों में दांत से ख़त्म हो जाएगा। तो यूज़ करिएगा, बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा टिप्स जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं नेक्स्ट टिप, थर्ड टिप्स है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आ जाइए। सो गाइज मेरा नेक्स्ट और थर्ड टिप्स है, जो थर्ड टिप्स होने वाला है वो ये है कि जैसे कि हमारे सॉक्स होते हैं, हम इधर उधर सॉक्स को रख देते हैं और हमारे सॉक्स मिलते नहीं हैं इधर उधर, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी सॉक्स को आपको क्या करना है। ये सॉक्स लिया आपने, दूसरा सॉक्स इसके अंदर आप ऐसे डाल दोगे, ये देखिए, और ऐसे आप डाल दोगे तो ये सॉक्स ऐसे कैसे रहेगा, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ रखोगे वहीं मिल जाएगा। और इसको ऐसे यूज़ करना है सॉक्स को आपको, तो ऐसे रख देंगे ना तो आपका सॉक्स कहीं भी नहीं गायब होगा, जहाँ होगा। और ऐसा होता है ना कि हमारा जो सॉक्स होता है वो मिलता नहीं, कभी एक पैर का मिलता है दूसरे पैर का नहीं मिलता, तो आपको यही ट्रिक अपनाना है, सॉक्स को हमेशा ऐसे इसके अंदर डाल के रखना है ताकि आपका कभी भी सॉक्स गायब ना हो और आपको मिल जाए। तो चलिए ये है मेरा थर्ड टिप्स। तो अब मैं देती हूँ आपको नेक्स्ट टिप्स, वो भी देखिए। सो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना फोर्थ ट्रिक, जो ये ट्रिप है, ये टिप्स दे रही हूँ, बहुत कारगर है ये। हमारा पर्स है, हम जैसे मार्केट लेके जाते हैं, ये हमारा बैग हो गया, तो बैग में अक्सर हमारे फ़ोन होता है, पर्स होता है, पैसों का, बहुत चीज़ें होती हैं जिसका हमें डर भी रहता है कि कोई निकाल ले ले। अक्सर बाजार में जाते हैं कोई ना कोई हाथ मारी देता है, अक्सर ऐसा होता है, तो हमें डर रहता है कि कोई हमारे बड़े पर्स में से पैसा नहीं निकाल ले। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि हमारे पास छोटा पर्स भी होता है जैसे कि ये है, तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी आप लोग को। ये ट्रिक है ऐसा कि आप अगर जैसे ये
है सेफ्टी पिन, ये देखिए ये सेफ्टी पिन है। ये सेफ्टी पिन के यूज़ से हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से इसको ऐसे टंग कर लेना है। ये देखिए ये मैंने कर लिया है टंग, इसे यहाँ से ऐसे कर लिया है देखो। और आपको फिर क्या करना है, इससे ऐसे यहाँ पे जाके सेफ्टी पिन से इसे भी अटैच कर देना है, जैसे कि आपका पर्स जो है ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से अटैच हो गया। आप कहीं भी जाते हैं मार्केट में आप लेके जाइए, यकीन मानिए इससे आपका पर्स को कोई निकाल नहीं सकता, पैसे को कोई नहीं निकाल सकता। आप इजीली खोल के इसे पैसे निकालिए, आराम से अपना खर्चा करिए और फिर अपना इजीली बंद कर दीजिए। और ये देखिए ये मेरा 4 टिप्स बहुत कारगर है, आप लोग इसे अपनाइएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा जितना भी मैंने आपको टिप्स दिया है। तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स, और बताइएगा कि मेरा टिप्स का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। साथ में मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, आप लोग ब्लॉग्स भी देखा करें मेरा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए। तो मिलती हूँ मैं 5th टिप्स के साथ में, चलिए आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ मैं मेरा 5th टिप्स कौन सा है। ये देखिए सो गाइज अब मैं लेके आई हूँ लास्ट 5वां और लास्ट ट्रिक्स है ये 5 ट्रिक्स, 5वां ट्रिक्स है मेरा। तो आप लोग को बताऊंगी, जैसे कि हम कानों में बहुत बड़े बड़े झुमके पहनते हैं, जैसे कि ये बड़े बड़े झुमके हैं और वेट भी होता है इसका थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता इसका वेट नहीं होता है। तो कितना भी लाइट वेट हो फिर भी थोड़ा बहुत तो वेट लगता ही है ईयर के लिए, हमारे बहुत ज़्यादा ईयर के लिए होता है वेट। और ये है इसके पेच जो डार्ट होते हैं, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कई बार ये होता है कि हमारे जैसे हम ये डार्ट लगाते हैं और ये गिर भी जाता है बाहर से, धीरे से निकल जाता है, कहीं हम पार्टी वार्टी में जाते हैं तो गिर भी जाता है। तो हमें क्या करना है इसके लिए मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा दुखते हैं कान में, हम ज़बरदस्ती अगर इसे लगा लेते हैं मतलब कि काफ़ी कस जाते हैं, तो जिसके कारण पेन भी होने लग जाता है हमारे ईयर में और छित्ते भी हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगी इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है। इसके लिए लेनी है हमें बिंदी, बिंदी हमें लेनी है थोड़ी सी बड़ी बिंदी, ये मैंने देखिए बड़ी बिंदी ली है। और इसको ये कागज़ वाली बिंदी ही लेनी है, जो ये कागज़ लगे हुए यही बिंदी आप लीजिएगा। इस बिंदी को लेके आपको कागज़ वाली बिंदी का ही यूज़ करना है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये कागज़ वाली बिंदी है। तो हमें क्या करना है इस बिंदी का, सबसे पहले क्या करना है हमें, पहले इसकी सेफ्टी के लिए इसको लगाने के लिए हम डॉट में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बड़ी बिंदी रहेगा ना तो होल करने में भी आसान होगा, ज़्यादा छोटी लेंगे तो आप नहीं होल कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे होल कर लेंगे पहले ही। और जब हम डॉट को इसके डॉट को और पेज को लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसमें आप कर दीजिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद क्या करना है ना आपको, ये देखिए इस इसको डार्ट को ऐसे लगा देना है, तो आपको ये जो होगा ना चुभेगा भी नहीं और ये निकलेगा, अगर ये निकल के गिर भी जाता है तो आपका जो झुमका है वो टिका रहेगा। वजन होने के कारण कई बार ये डार्ट निकल जाता है, हम पार्टी वार्टी में जाते हैं तो मैं एक आप लोग को बताऊंगी कि मैं एक बार गई थी एंगेजमेंट में, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनका उनका जो पेज था ना ऐसे गिर गया था झुमके का जो उन्होंने पहन रखा था। तो मैंने उनको फटाफट वहीं से उनको मैंने कहा बिंदी रखा है किसी ने, तो कहे हाँ, मैंने फटाफट बिंदी निकाला और उनके ये जो पेज था ना पेज की जगह पर इसको ये अटैच कर दिया मैंने, और उन्होंने वो झुमके पहन के पूरे पार्टी में घूमे और उनका निकला भी नहीं, उनको इस डार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही कर लेना है, सेकेंड जो हमें ट्रिक अपनाना है। तो मैं आप लोग